वैसे तो आपने बहुत से चिड़ियाघर देखे होंगे, पर उड़ीसा के इस चिड़ियाघर की बात ही कुछ खास है। तो आइए चलते हैं इस रोमांचक से सफर में और करते हैं इस सफर की शुरुआत। तो ये कहानी है कटक की। सो यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ कटक में और पिछले 2 दिनों से मैं कटक आया हुआ हूँ, पर बारिश की वजह से हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे। बट टुडे वी आर गोइंग टू विजिट एंड एक्सप्लोर द नंदन कानन जू। सो लेट्स बिगिन द शो। नंदन कानन, वैसे तो ये चिड़ियाघर कटक में स्थित है, पर भुवनेश्वर के काफ़ी करीब होने के कारण लोग इसे भुवनेश्वर का भी मानते हैं। इस चिड़ियाघर की स्थापना 1960 के दशक में की गई थी, पर पब्लिक के लिए इसे 1979 के दशक में पहली बार खोला गया था, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। तो चलिए चलते हैं इस चिड़ियाघर के अंदर और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। सो वी आर इन नंदन कानन जू राइट नाउ, एंड मेरे साथ में आप देख सकते हैं ये दीप भी है। दीप से हाई टू द कैमरा। और इधर है दिया। दिया से हाई। सो वी आर टूडे हेयर फॉर विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द नंदन कानन जू, और पूरे फैमिली के साथ आए हैं। मामा मामी और मम्मी भी है साथ में, तो फिर बाकी लोगों की एंट्री अभी चल रही है। दीप, तू तो पूरा ये लग रहा है यार, जो विजिटर्स नहीं होते हैं, अंग्रेज जो आते हैं जैसे घूमने के लिए। हम लोग कहाँ पे आए दीप? कौन से जगह पे हम लोग? जू में आए। इसको जू का नाम ही नहीं पता है। इसको जू का नाम ही नहीं पता है, बस घूमने चला है। नंदन कानन जू। सो वहाँ पे आ रहे हैं मम्मी और मामी दोनों हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही टाइट चेकिंग होती है, तो हम लोग पानी का बोतल वगैरह लेके आए थे। यहाँ पे एक्चुअली प्लास्टिक बोतल्स वगैरह कुछ प्लास्टिक के कोई भी चीज़ यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग में बैग जो है पूरा चेक किया जा रहा है, तो उसके बाद वो लोग आएंगे अंदर। सो फाइनली पानी बोतल तो अलाउ हो गया, बट 50 रुपये का इसमें स्टिकर लगा दिया। सो ये टूरिस्ट वैन्स लाइन से खड़े हैं, आप इनको हायर करके ले जा सकते हो अपने साथ, ही आपको पूरा जू घुमा देंगे। बट हम लोग जा रहे हैं पैदल। हम लोग अभी यहाँ पे, और ये वाला रास्ता है ऐसे 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 ऐसे, एक राइट को जाता है, एक लेफ्ट को जाता है, फिर राइट को जाता है। तो चलते हैं अभी हम लोग सफ़र में, देख लेंगे जो भी दिखेगा। और एक्वेरियम, लैंड बर्ड सब कुछ इधर देखने को मिलेगा। यहाँ पे चिड़ियों का बहुत ही सुंदर सा पिंजरा है। तो आपने कॉकटेल पिया तो बहुत होगा, और रियली में देख लो कॉकटेल बर्ड दिखते कैसे हैं। ठीक है, ये सारे हैं कॉकटेल। तो चिड़ियों की इतनी सारी प्रजाति देखने के बाद हम लोग आए, अभी कुछ एनिमल्स देखेंगे। यहाँ पे है स्लॉथ बियर, अब देखते हैं बियर बाहर है या नहीं। तो वो तो है नहीं बाहर, बियर
शायद अंदर होगा, अभी रेस्ट कर रहा होगा काफी के। तो बियर तो हम देख नहीं पाए, यहाँ पे देखते हैं चीता है, लियोपैड यानी कि पैंथर, वो हमें यहाँ दिखते हैं यानी। वैसे तो भीड़ बहुत सी है यहाँ पे लोगों की। दीप पैंथर देखा? पैंथर देखा? हाँ, पेड़ पे कैसे चढ़ा हुआ था? बघीरा था ना, बघीरा था ना। सो हियर इज इंडियन टाइगर, महाबली बाघ, सिम्बा शांति से आ रहा है, अपना हमला धीरे 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 आ रहा है। शेर पीठ दिखा के बैठा हुआ है, नाराज है शेर हम लोग से। वो आया इंडियन टाइगर। दो दो बाघ हैं। So here is another layout map of this entire zoo. तो हम लोग पहले चलते हैं, यहाँ पे शायद हाथी भी है। So let's see, elephant, yes. So इधर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितने elephants हमें दिखाई देते हैं। Let's see आगे कितने हाथी हमें दिखाई देते हैं। कुछ भी नहीं है कि जानवर तो उतने सारे दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। एक ये हाथी है ना, ये एक है बंदर हमारे साथ घूम रही है, है ना दीप? कौन है बंदर? हाथी लोग के साथ उनके महावत भी बैठे हुए वहाँ पे, और कहते हैं कि अगर वो महावत यहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर हाथी जो है अपने उत्पात में आ जाएंगे और वो लोग इधर उधर उत्पात मचाने लगेंगे, इसलिए उनके साथ में ऑलवेज कुछ महावत उनके साथ रहते ही हैं। ये वाला हाथी देखने के लिए इधर नीचे, अभी इधर हम लोग जा सकते हैं, द लियोपॉड टाइगर, और आगे जिराफ भी मिलेगा, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉय ट्रेन और बोटिंग का भी फैसिलिटी है। तो हम लोग चल रहे हैं उधर लायन, बियर, टाइगर और जिराफ देखने के लिए, और अगर हो जाए तो साथ में बोटिंग वगैरह भी देख लेंगे। बोटिंग करेगा? बोटिंग करेगा? बोटिंग हाँ। एक बार फिर से एक लेआउट मैप, ताकि लोग इधर उधर ना भटक जाएं, इसके लिए जो है मैप हर जगह पे दिया गया है।
चलो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। अभी हम लोग आए थे, अच्छा यू आर हियर, इस रोड पे हम लोग, हाँ हम लोग जिराफ देख करके आए हैं। बोटिंग के लिए हम लोग इधर से चलते हैं, इधर इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, वहाँ पे उधर हम लोग को मिल जाएगा बोटिंग। दी बोटिंग नहीं करेगा, हाँ तो इधर ही बोटिंग करना है, सीधा चलते रहो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे दिया? बोटिंग घाट। हम लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और फिलहाल हम लोग को चलना है अभी 200-300 मीटर जो है अभी और चलना है। और ये एक लंबा सा पाथ है, सारे चल के जा रहे हैं, हम लोग भी जा ही रहे हैं। दिया थकान कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है हमको तो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी है और साथ में थकान भी बहुत ज़्यादा है। ये पानी उछलना अपने ऊपर, तो खैर कोई नहीं, हम लोग चल रहे। तू थक नहीं रहा है दीप? थकान नहीं हो रहा तेरे को? तेरे को थकान नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, चलो सही है फिर। अच्छा दीप हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग के लिए। हाँ सर, ट्रेन में घूमने और बोटिंग। टॉय ट्रेन नहीं, टॉय ट्रेन एक्चुअली, टॉय ट्रेन बंद है यहाँ पे अभी, तो हम लोग बोटिंग ही जा रहे हैं, बोटिंग के लिए जा रहे हैं, देखते हैं बोटिंग खुला या नहीं, वरना हो जाएगा पोपट हमारा वहाँ पे। पोपट कर दूंगी। बीच बीच में ये वेटिंग हॉल भी बना हुआ है, जो लोग थक जाते हैं वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं आराम से, रेस्ट रूम है उनके लिए। बट हम लोग जो है कंटिन्यू चले जा रहे हैं, जब से एंटर किए हैं जू में कंटिन्यू चले जा रहे हैं। बस वो हाथी वाले जगह पे हम लोग थोड़ा सा बैठे थे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं। तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है धूप की वजह से, थोड़ा सा दिक्कत भी है, बट कोई नहीं, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि घूमने में जो मज़ा आ रहा है, एक्सप्लोर करने में जो मज़ा आ रहा है, वो आपको शायद कैमरे में या वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, बट आप अगर रियल में आकर के एक्सप्लोर करोगे इस जगह को, तो आपको समझ में आएगा ये कितना ब्यूटीफुल सा प्लेस है। ये वाला रेप्टाइल पार्क है, रेप्टाइल प्रजाति के जितने हैं सब यहाँ पे होंगे, सांप बिच्छू वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं टॉय ट्रेन का स्टेशन जो हमें दिख गया, बट जा करके देखते हैं टॉय ट्रेन चालू है या नहीं। दीप क्या लग रहा है, ट्रेन चालू होगा या बंद होगा? चालू हो सकता है मेरे हिसाब से। सो टाइम की पाबंदी के वजह से वी आर नॉट एबल टू राइड ऑन दिस टॉय ट्रेन, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें अगर दिख जाए तो वो देख लेते हैं साथ में। सो दिस इज़ बोटिंग घाट, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद है। और ये बड़ा सा पोंड, इसी पे बोटिंग कराया जाता है। और वो देखो रोपवे चालू है, रोपवे भी चालू है। लोग यहाँ पे आ गए हैं वो वाला पॉइंट पे, गेट टू इधर है, तो हम लोग को ये वाला टावर से होकर के, टावर से होकर के उधर से होकर के फाउंटेन होते हुए उसके बगल से एक अंदर जाता है रास्ता, उधर से जाते हैं। दीप भाई, यू आर लुकिंग सो सैड, क्या हो गया? पार्क जाएगा ना, इसका पूरा एक खत्म हो जाएगा। बोटिंग नहीं करने मिला इसलिए मुंह फूल गया क्या? हाँ दीप एक बार फिर से देखो मैप में कहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे, वो देखो ये वाला एरिया पे, वहाँ से नीचे आना है, इधर से सीधा गेट टू पे पहुँच जाएंगे। दीप थक गया, चल और एक राउंड घूम के आते हैं। सो ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम हम लोग जा रहे हैं जू से बाहर,
सब थक चुके हैं, सबसे ज्यादा तो दीप थक गया है। दिया तेरा क्या हाल है? आप बोलना पड़ेगा, देख नहीं रहे। बहुत थक गए हैं, बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। पांव जो है दर्द कर रहा है घूम घूम कर। पूरा जू भी हम लोग नहीं घूम पाए अच्छे से। पूरा जू घूम गए, बहुत जगह तो नहीं गए फिर भी। हाँ गए, जाके आ गए, लेकिन वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे जानवर जो हमें दिखाई भी नहीं दिए, क्योंकि वो लोग अपने अपने जो हैबिटेरी प्लेस में अपने अपने वो लोग छुपे हुए थे, बहुत सारे जानवर। तो कुछ कुछ हम लोग देख पाए हैं और कुछ कुछ बर्ड्स भी देख पाए हैं। फिलहाल जो हम लोग बाहर जा रहे हैं, आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके बाद पे ध्यान मत दो, आप सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है? ओके बाय। अरे लास्ट आउटरो तो देना भूल ही गया मैं। सो दिस इज तेज कर्मा का साइनिंग ऑफ। बी सेफ, बी यंग, बाय।